एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मैं आपका एक न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में बताऊंगी कि क्या ऐसे मैंने अपना वेट कम किया है, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, फिर उसको मैंने रिड्यूस कैसे किया। मैं मतलब नियर अबाउट 80 kg के करीब था मेरा वेट है, और फिर मैंने अपने आप को मतलब बहुत ही कम किया है। आपको आपने देख लिया होगा बैनर पे क्या लगा हुआ है, थंबनेल में क्या लगा हुआ है, और आपको मैं बताऊं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं आपको अपने वेट लॉस के बारे में बताती हूँ कि मेरा ना 80 kg वेट हो गया था। और एक दिन की बात है कि मैं हम ना जैसे कहीं डांस परफॉर्मेंस देनी थी मेरे को और रचना दीदी को, तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो रचना दीदी आई थी मेरे घर पे ही प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे। और इसके बाद में कोई आया, तो जैसे ही मैं गेट खोलने को उठी है मेरा पैर स्लिप हो गया और फिर मेरा फ्रैक्चर हो गया। मैं डांस परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाई और मेरे मतलब पैर में फ्रैक्चर हो गया। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा तो वेट ये पैर ही नहीं संभाल रहे हैं, तो आगे क्या होगा। जब मेरे आज ही ये पैर नहीं संभाल रहे, तो इसलिए मेरे को अपना वेट कम करना पड़ेगा। लेकिन 1.5 महीने तक तो मेरा प्लास्टर चढ़ा रहा, उसके बाद में मैंने फिर ये दृढ़ निश्चय ले लिया कि मुझे तो वेट अपना कम करना है, चाहे टिप फॉर टैट कैसे भी करना है, पर करना है। लेकिन मुझे इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरे को आज एक्सपीरियंस है, तो मैं अपना आपको एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ। किसी की बातें बताई हुई नहीं कर रही हूँ कि किसी ने मुझे ऐसे बताया या ऐसे बताया कैसे करा। तो सबसे पहले तो मैंने कि सुबह को वार्म वाटर लेना शुरू कर दिया। वार्म वाटर कभी जीरे का पानी, कभी सौंफ का पानी, इस तरीके से मतलब 1 गिलास, फिर मैंने 2 गिलास शुरू कर दिए। एक तो सिंपल गर्म पानी और फिर एक जीरे का पानी या सौंफ का पानी, मतलब बार बार चेंज करते रहना चाहिए। और इसके बाद में मैं करती थी 11 बजे करीब, क्योंकि सारा घर का काम करना पड़ता था, तो फिर मैं 11 बजे करीब 1 घंटा योगा करती थी। देखो 10-15 दिन तक तो मेरा बिल्कुल भी वेट रिड्यूस नहीं हुआ। और शाम को मैं वॉक पे जाती थी, मतलब 1 घंटा वॉक पे जाती थी। इस तरीके से मैंने करना शुरू कर दिया, लेकिन 15 दिन तक तो मेरा वेट बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हुआ। और मैंने जैसे कि आजकल क्या करते हैं कि खाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, तो वेट तो जल्दी कम हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी गेन भी हो जाता है। तो इसीलिए हमें मतलब खाते भी रहना चाहिए। मैंने सब छोले भटूरे, बर्गर, चाउमीन वगैरह सब खाई है, लेकिन एक थोड़ी सी कम क्वांटिटी लेके खाई है, ज़्यादा नहीं। फिर वीक में एक चीट मील भी किया है, चीट मील के साथ में मैंने अपना वेट रिड्यूस किया, तो 15 दिन बाद मेरा कम होना शुरू करा। हाँ, बॉडी तो शेप में आने लगी थी, 15 दिन से पहले बॉडी तो शेप में आ रही थी, लेकिन वेट नहीं कम हो रहा था। फिर 15 दिन बाद मेरा वेट कम होना शुरू हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा कि और करना चाहिए है, तो फिर मैंने इसको रेगुलरिटी में लिया। अब बल्कि पार्टीज़ में भी जाती थी और फंक्शंस में भी जाती थी, वहाँ भी मैं मतलब सब कुछ खाया करती थी। लेकिन अगले दिन फिर जैसे आज मैंने सारा खा लिया है ना, भाई बाहर शादी में खाया, तो अगले दिन फिर मैं बहुत ही हल्का खाती थी। जैसे आप भाई खिचड़ी ले लो है ना, या फिर लिक्विड पे या फ्रूट्स पे, और या जैसे कि मैं सूजी का जो उत्पम होता है वो खा के मैंने बहुत वेट कम किया है। उत्पम ही खाती थी, जब मन करता था कि भाई बढ़िया चीज़ खाओ तो उत्पम बना लिया, बेसन का चीला बना लिया, इस तरह से मतलब। और जो ये पीनट्स होती है ना, तो इनको पीनट्स को भी मैं जैसे भून के रख लिया करती थी, या ओवन में भून लो या फिर आप पता कढ़ाई में भून लो, ये आपकी मर्जी है, तो उसको भी रखती थी। उससे क्या है कि आपका ना पेट भरा रहता, तो आप पानी ज़्यादा पीते हो, पानी से ही वेट कम होता है, क्योंकि पानी जितना ज़्यादा पियोगे। तो मैंने पानी भी बहुत ज़्यादा पीने की कोशिश करी कि मतलब इतना तो पीना ही पीना है, मतलब ये लगा लो कि 2.5-3 लीटर तो पानी पीना ही पीना है, 8-10 ग्लास से ज़्यादा ही पानी पीती थी। और हल्का सा जैसे सर्दियों में भी तो गर्म पानी चल जाता है, लेकिन गर्मियों में तो नहीं चलता ना, लेकिन गर्मियों में मैंने सादा ही पानी पिया, मटके का पानी पिया, फ्रिज का नहीं पिया, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल अवॉइड कर दी थी। जब मन किया तो 15-20 दिन में मैंने कोल्ड ड्रिंक ली
लेकिन वैसे नहीं, फ्रूटी देखो बहुत ही ज़्यादा स्वीट होती है, तो जितना हो सके फ्रूटी को अवॉइड ही करना चाहिए। और जब मेरा कम होने, मैंने 6 महीने के अंदर अपना मतलब वेट रिड्यूस कर लिया, लेकिन रिजल्ट तो 15 दिन बाद आने शुरू हो गए, लेकिन धीरे धीरे घटता था। जैसे कि मेरा 1 महीने में 2 किलो रिड्यूस हुआ, क्योंकि ज़्यादा मैंने खाने पर कंट्रोल नहीं किया। इसीलिए आज मेरे को हो गए हैं 5 साल वेट रिड्यूस करे हुए, लेकिन आज मैं सब चीज़ खाती हूँ तो भी मेरा उतना ही वेट है। ऐसे क्योंकि मैंने इसलिए क्योंकि मैंने उस टाइम भी खाया था, कम खाया था। भाई मंगवाए तो मंगवाए, बस ये है कि आप भाई ये नहीं मंगवाए तो 4-5 आम आपने खा लिए, नहीं ऐसे नहीं करना। आप खाएं तो केवल एक ही मैंगो खाएं। देखो आपकी जो क्रिएविटी होती है, क्रिएविटी भी तो दूर करनी होती है कि आपका मन कर रहा है यार, आप फिर देखो देखो दुनिया में आए हैं तो खाना तो पड़ेगा ही है। और भैया देखो अपनी कंट्रोल करके कि हम ये ना खाए, थोड़ा खा लो लेकिन खाओ जरूर बस, क्योंकि बॉडी को भी ना ये हैबिट होनी चाहिए कि आप मतलब बॉडी एक्सेप्ट करती है कि हर चीज़ को। यदि आपने सोचा कि सब कुछ छोड़ दिया तुमने, आप स्वीट भी नहीं खाओगे, ऑयली भी नहीं खाओ, कुछ नहीं खाओगे, तो वो ऐसे ही आपकी बॉडी बन जाएगी। और जब देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी लाइफ लॉन्ग आप कुछ भी ना खाएं इस तरह का, ये कभी भी नहीं हो सकता। और जब भी आप शुरू करोगे तो फिर आपका वेट उतना ही बढ़ना शुरू, और जल्दी से बढ़ेगा, क्योंकि वो बॉडी को हैबिट नहीं है। अब जैसे मैंने छोले भटूरे भी खाए हैं, सब चीज़ खाया, मैंने बर्गर भी, चाउमीन सब खाया, लेकिन चीट मील जैसे हफ्ते में एक बार खाया बस, केवल हफ्ते में एक बार खाती थी, और उसके बाद मैं घर घर का ज़्यादा बना हुआ खाती थी। और अच्छा ही जैसे पराठे भी खाए, आलू के पराठे भी खाए, पूरी बहुत पसंद है मुझे, मैंने पूरी भी खाई, सब कुछ खाया, और खा के ही वेट कम किया है। तो मैं जैसे आज की जो यंग जनरेशन है, मैं उनको बस यही कहना चाहती हूँ कि एकदम मन में ये ना रखें कि हम बस केवल वेट रिड्यूस करना है, हम सब कुछ खाना छोड़ देते हैं और हम मतलब बस बहुत जल्दी पतले होना है, हमें 1 महीने के अंदर वेट कम करना है या हमें 2 महीने के अंदर वेट करना है, ऐसे नहीं। आपकी फिर हेल्थ भी खराब हो सकती है, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, तो अपने हेल्थ को ध्यान रख दे। कहाँ तक तो तुम्हारी बॉडी सब कुछ पहले खा रही थी, सब कुछ एक्सेप्ट कर रही थी, और अब तुमने सब कुछ छोड़ दिया, तो उसको चेंज होने में भी तो समय लगता है। कि आज की यंग जनरेशन को मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबको लगता है कि वेट कम हो गया तो हम जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, तो आप जल्दी कोई चीज़ आदमी नहीं पा सकता, कोई भी इंसान हो जल्दी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एक टाइम लगता है। धीरे धीरे आप एक चीज़ को पाओगे, उसके पीछे लगे रहो, लगातार लगे रहो। तो यही मेरी वेस्ट लॉस जर्नी थी, और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने आप को हल्का महसूस करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही अपने आप को मैं मेंटेन करूं है। और इसी तरह के आपको प्यारे प्यारे व्लॉग मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं इस तरह के ही व्लॉग मिलेंगे आपको। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।